दोस्तों मैं नेपाल आया हूँ, आप जैसा कि देख रहे हैं सामने सुदर्शन आई केयर एंड नर्सिंग होम है। मैं यहाँ पे एक पेशेंट को लेकर आया हूँ एज ए अटेंडेंट, जिसको आँख में प्रॉब्लम है। ये दोस्तों जगह का नाम है रौहट नेपाल, जहाँ पे आप नर्सिंग होम देख रहे हैं उसके सामने ये जो देख रहे हैं गेट है, जो सभी लड़के इधर से आ रहे हैं ये नेपाल के ही लोग हैं। और उसके सामने आप देखेंगे छोटे छोटे आपके ढाबे दिखेंगे, जो नेपाल के लोग अपने जीवन यापन के लिए चलाते हैं, जहाँ पे जो लोग भी ठहरते हैं हॉस्पिटल में अटेंडेंट आते हैं उनके खाने वगैरह की व्यवस्था ये लोग करते हैं, कुछ बहुत ही सस्ते दामों पे करते हैं। दोस्तों आगे इसमें अंदर जाएंगे मेन गेट से तो देखेंगे एक OPD भवन है, जहाँ पे आप पर्ची वगैरह यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद से सब चीज़ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, सेवा शुल्क लिखा हुआ है। OPD भवन में जाएंगे दोस्तों, उसके पहले आपको दिखा दें ये दोस्तों एक OT भवन है, जहाँ पे ऑपरेशन वगैरह होता है, सर्जरी वगैरह। तो चलते हैं दोस्तों OPD भवन में, रूम नंबर 2 है जो दृष्टि परीक्षण के काम आता है, विजन टेस्ट होता है इसमें, जैसे कि आपको देख रहे हैं सभी मशीनें लगी हुई हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं। उसके बाद से आप यहाँ चेक होता है तो 2 से आप 3 नंबर में जाते हैं रूम नंबर में, 3 के बाद 4 नंबर रूम में जाते हैं और उसके बाद से 5 में, आप 5 के बाद 6 रूम नंबर में जाकर आप वहाँ से लौटते हैं। सभी तरह का आपको यहाँ पर रिपोर्ट मिल जाता है पर्ची के साथ, जो आप एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर इस रूम में बैठते हैं सामने वाले OT भवन में, जहाँ पर आप देख रहे हैं वहाँ पर दिखाते हैं। तो डॉक्टर डिसाइड करता है उस हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से, कि आपका ये जो दिक्कत है ऑपरेशन से ठीक होगा कि दवा से होगा, जैसा होता है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों ये सब लोग बैठे हुए हैं OT के सामने, ऑपरेशन थिएटर के सामने, सभी लोग मुतेबीम के ऑपरेशन के लिए अपने क्यू में बैठे हुए हैं, IC रूम में ऑपरेशन होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इसमें देखेंगे सामने दवा की दुकानें हैं, मेडिकल हॉल, और उसके जस्ट बगल में चश्मा की दुकान भी है, यानी कि जो भी आपको दवा की जरूरत पड़ती है इसी में सब दवा उपलब्ध होती है। साथ ही उसके बगल में जो चश्मा वगैरह होता है, लेंस की जरूरत होती है, सभी ये यहाँ पर उपलब्ध होता है दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं सभी तरह का चश्मा दिख रहा है। इसमें देखेंगे दोस्तों स्टाफ वगैरह का रहने की व्यवस्था किया गया है। ऊपर जाएंगे दोस्तों, दोस्तों जो भी नॉर्थ इंडिया के लोग आते हैं, अधिकतर लोग नेपाल में आँख दिखाने के लिए आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था किया गया है, जैसे कि अगर रात को आएँ तो रात भर ठहर सकें। जनरल वार्ड में आप देख रहे हैं लगातार बेड लगे हुए हैं, एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट के लिए सुविधा उपलब्ध होता है, यहाँ पर आप रात भर ठहरते हैं। अगले सुबह में आपको 7 बजे करीब में वहाँ पे आपको क्लिनिक शुरू हो जाता है, मतलब हॉस्पिटल के आप सभी कार्य स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ से आप डॉक्टर को चेकअप कराने के बाद दिखाते हैं डॉक्टर को, और डॉक्टर अगर ऑपरेशन होता है तो 9 या 10 बजे से आपका मोतियाबीम या किसी भी तरह का ऑपरेशन स्टार्ट होता है, और आपको 1 घंटे में सभी कंप्लीट होने के बाद आपको लगभग 13, 14 या 15 घंटे का ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। उसके बाद से दवा वगैरह आपको समझाया जाता है, कैसे खाना है, कैसे सब चीज़ बैंडेज वगैरह करना है, अब फिर से आपको समझाकर भेज दिया जाता है। जैसे कि सामने देख रहे हैं दोस्तों, अब हम सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं, वहाँ पर भी जनरल वार्ड ही है, जहाँ पर और भी जो लोग आते हैं यहाँ पर ठहरने की सुविधाएँ हैं। अधिकतर लोग नॉर्थ बिहार के और नॉर्थ इंडिया के लोग आते हैं, जिनको जिनको मालूम होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सस्ते रेट में आँख का इलाज होता है दोस्तों। यहाँ बता दें कि आपको इंडियन करेंसी की वैल्यू नेपाल में बहुत ज़्यादा है, तो जो भी पैसा लगता है सस्ते में इलाज सही अच्छा होता है, और एक सेवा के भावना से भी यहाँ पर कार्य होता है दोस्तों। तो जैसा कि देख रहे हैं ये सब हमने बताया, आप भी जो भी प्रॉब्लम हो आँख से रिलेटेड, रेटिना का अगर दिक्कत है तो आप लहान जा सकते हैं। और ये है दोस्तों उसका कैंपस, जो नर्सिंग होम है, कैंपस बहुत ही ग्रीनरी रखने की कोशिश किया गया है, ग्रीनरी पूरा दिख रहा है दोस्तों, फूल पत्ते लगे हुए हैं, और सामने भवन भी बहुत अच्छी खूबसूरत बना हुआ है, सुविधाएं अच्छी हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।